बॉलीवुड के किंग खान की फिल्म रईस और हैंडसम हीरो ऋतिक रोशन की फिल्म का बिल बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कारोबार कर रही है। आपको बता दें कि दूसरे दिन की कमाई में ऋतिक रोशन की फिल्म ने शाहरुख की फिल्म को कड़ी टक्कर दी है। बॉक्स ऑफिस पर रईस दो दिनों में 46.72 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। पहले दिन रईस ने 20.42 करोड़ रुपए और दूसरे दिन 26.30 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। रईस ने गणतंत्र दिवस के मौके पर तोड़ा रिकॉर्ड। शाहरुख खान की इस फिल्म ने गणतंत्र दिवस के मौके पर कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। फिल्म रईस गणतंत्र दिवस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इससे पहले साल 2014 में सलमान खान की फिल्म जय हो ने गणतंत्र दिवस के मौके पर 25 करोड़ की कमाई की थी। काबिल ने दूसरे दिन कमाई 18.67 करोड़। वहीं ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 18.67 करोड़ रुपए की कमाई की है। पहले दिन इस फिल्म ने 10.43 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। दो दिनों में काबिल ने 29.10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। गणतंत्र दिवस की छुट्टी का मिला पूरा फायदा। गणतंत्र दिवस की छुट्टी का दोनों फिल्मों को पूरा फायदा मिला है। सूत्रों की माने तो आगे भी दोनों फिल्में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगी। आपको बता दें कि काबिल में ऋतिक रोशन और अभिनेत्री यामी गौतम दृष्टिहीन किरदार में है। संजय गुप्ता का निर्देशन काफी बेहतरीन है। फिल्म में रोनित रॉक विलेन की किरदार में है जिसे उन्होंने बखूबी निभाया है। वहीं शाहरुख के लिए ये फिल्म अहम है क्योंकि शाहरुख खान की पिछली फिल्म दिलवाले बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी।